ओके, तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और इसमें जरूर दिखाना इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि प्रैक्टिकल है। इस पे क्यों दिखाना है इंटरेस्ट? क्योंकि यहां से आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट सुन के इसको हम प्रॉफिट से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था पिछले सेशन में। तो बेसिकली इस सेशन में अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो आप आपस में थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज इज गोइंग टू वर्क इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था। सो इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं ना। एक इंटरेस्ट क्या होता है? आपका इंक्लिनेशन। अगर किसी चीज में कोई चीज आपको करने में अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है। ये कौन सा इंटरेस्ट है जिसमें आपको कुछ मुनाफा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है? और यहां पर हम लोग खासकर बात करेंगे बैंकिंग की। सो विल टॉक अबाउट बैंकिंग हियर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएमसी दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। आप जरूर आरएमसी के फॉर्म को मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर आप जरूर संपर्क करें हमसे। ओके, और एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर आरएमसी ऑल्सो। सो वी प्रोवाइड लाइव एंड ऑफलाइन कोर्स, प्लस हमारे पास एक बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको देने के लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड कोर्स कौन सा कोर्स है? बहुत अपडेटेड कोर्स है, जो भी हम बच्चों को लाइव और ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसी को रिकॉर्ड करके हम एज अ रिकॉर्डेड कोर्स हम बच्चों को दे रहे हैं। सो इट्स इट्स हाईली अपडेटेड। ओके, ये कोई पुराना कोर्स नहीं है, जो अभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वही इसमें है। साथ ही साथ लिमिटेड सीट है, तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर करें। और साथ ही साथ जो बच्चे आरएमएस और सैनिक स्कूल में इंटरेस्टेड है और जो इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम। लाइव कोर्स ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें और रजिस्टर करें। और जो बच्चे एनडीए सीडीएस में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं अपने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो एनडीए के माध्यम से या सीडीएस के माध्यम से वो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर से मैं वही कहूंगा कि आप हमसे संपर्क करें और इनके बारे में अधिक जानकारी लें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक है आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट इज समहाउ रिलेटेड टू प्रॉफिट। ओके, तो अगर मैं आपसे 10% प्रॉफिट बोलता हूं, 10% प्रॉफिट बोलता हूं, तो हमें कितना मिलता है? 110%। ओके, उसी तरीके से अगर मैं 10% का इंटरेस्ट बोलूंगा तो 10% का इंटरेस्ट याद रखना, इट्स गोइंग टू बी 110% ओनली। ओके, सो इट इज सेम एज प्रॉफिट ओनली। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का की जो लैंग्वेज है ना, ये जो इंटरेस्ट हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग बैंकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। अब बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो पहले जान लेते हैं कि बैंकिंग या बैंक क्या होता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? आपने देखा होगा बैंक क्या करता है, हमसे पैसे लेता है। लेना इन द सेंस कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं या बैंक में पैसा डालते हैं। और बैंक क्या करता है? हमारे ही पैसे को किसी और को देता है। ठीक है, वो पैसे लेंड करता है। कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और फिर ऐसा नहीं कि हमारे पैसे किसी और को दे देगा तो फिर हमारे पैसे कहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक में ह्यूज ट्रांजेक्शन होती हैं। तो हमारे पैसे किसी और को दिए तो जाते हैं, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जब भी हमें रिक्वायर्ड हो हम तब अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। कोई बैंक बैंकरप्ट कब होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जब बैंक के पास पैसे अपने जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो पैसा निकाल लें एक साथ बैंक से और बैंक के पास उतना पैसा नहीं है उनको लौटाने के लिए, तो उस केस में बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, बैंक का दिवाला निकल जाता है। सपोज 10 लोगों ने बैंक में 100 100 रुपीज डाले और अब वो सब अपने पैसे वापस चाहते हैं, लेकिन बैंक के पास उतने पैसे है ही नहीं, तो उस कंडीशन में बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या उसका दिवाला निकल जाता है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बैंकिंग को समझ रहे हैं। बैंक में पैसे डालना, बैंक से पैसे निकालना, यही तो क्या है, यही तो आपका बैंकिंग है। लेकिन इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट। तो जहां पर भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे वहां पर एक टर्म बाद में तो नहीं लेकिन अभी मैं यूज करना चाहता हूं, उसे मैं बोलना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जहां पर हमें नुकसान होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इवन लॉस होता है, तो उस केस को हम लोग अपनी लायबिलिटी मानते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा।
उसके बाद हम बात करेंगे। तो याद रखना, बैंक में डिपॉजिट, बैंक पैसा लेंड कर रहा है किसी को, दे रहा है, बैंक पैसा ले भी रहा है और दे भी रहा है, इसी को बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, ले भी किससे रहा है, जनता से ले रहा है, लोगों से ले रहा है, और पैसे दे भी किसको रहा है, लोगों को दे रहा है। ठीक है, ओके। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब है व्हेनेवर हम बोलते हैं ना, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हम कहते हैं ना कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर हम बाय द वे 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो बैंक में क्या होगा, इन्वेस्ट का मतलब है कि हमारा पैसा कुछ समय बाद बढ़ जाएगा। सपोज 120 रुपीज बढ़ गया, तो पैसे का बढ़ना का मतलब है कि अगर हमें, हम पैसे डाल के अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी लैंड को बाय करना, प्रॉपर्टी को बाय करना। आपने देखा होगा ना, आप लैंड खरीदते हो, सपोज आपने लैंड 100 रुपीज की खरीदी, और कुछ साल बाद अगर इस लैंड का प्राइस 500 रुपीज हो गया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना इंटरेस्ट आपको देखने को मिला। देखिए, सीधा 400 रुपीज का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये चीजें क्या होती है, लैंड खरीदना, गोल्ड खरीदना, दिस ऑल थिंग्स, या म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं आइडिया, लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप कहीं पैसा लगाते हैं और उसको उसको लगाने से आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर मैं कोई शॉप खोलता हूं और शॉप मुझे कमाकर पैसा वापस दे रही है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं, सपोज मैंने एक कार खरीदी और उस कार को अगर मैंने एज अ टैक्सी यूज कर रहा हूं, सपोज उबर, ओला, ये इन सर्विसेज में यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो टैक्सी है ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पैसा कमा के दे रही है। मेरा भी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कमा के भी तो दे रही है। लेकिन अगर मैं कार अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूं, जैसे अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कार यूज करूं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी बन जाती है। उसको कहते हैं लायबिलिटी। मुझे पता है कि अभी कुछ कुछ हैवी वर्ड्स या कुछ भारी शब्द हैं अभी बच्चों के लिए, लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लायबिलिटी का मतलब है कि जो जिसमें, जैसे हम घर खरीदते हैं, घर खरीदना भी एक लायबिलिटी है, लोन लेना भी एक लायबिलिटी, हमें पैसा चुकाना पड़ता है। घर क्यों है लायबिलिटी, क्योंकि घर के खर्चे कितने हैं। ठीक है, घर को मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, बिजली का बिल एंड ऑल सब, तो ये सारी चीजें हमारी लायबिलिटी है जहां पैसा खर्च हो रहा है। हमने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी में डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है, तो वो एक लायबिलिटी है, उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, तो वो लायबिलिटी है। तो कहीं पर पैसा डालना जहां पर आपका पैसा और खर्च हो रहा है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। और कहीं पर पैसा डालना और वहां से पैसा खुद आपके पास आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो बैंक में पैसा डालना इज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कभी कभी बैंक से पैसा लेना हमारी लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में कहीं कहीं पर किसी किसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे, लोन के लायबिलिटी में, लोन के कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है लेटर स्टेज में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ तो रहे हैं बैंकिंग के कंटेक्स्ट में, लेकिन याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट बैंक में ना के बराबर यूज होता है। हाँ, कुछ एफडीज में सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है, फिक्स डिपॉजिट्स जिसे कहते हैं, उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बैंक्स में देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो सर हम पढ़ते क्यों है फिर सिंपल इंटरेस्ट? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हो, आपको यह समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट होता क्या है। इसलिए मैंने क्या लिखा है टाइटल में, सिंपल इंटरेस्ट में जरूर दिखाना इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उससे फिर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज का बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो जो पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज है वो दिमाग में आप रखना, डेफिनेटली यहां भी काम आने वाली है। तो आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, बैंक वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मैंने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे, 100 रुपीज, ठीक है, सपोज आई हैव डिपॉजिटेड 100 रुपीज इन एनी ऑफ द बैंक, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सपोज मैंने SBI में 100 रुपीज को डिपॉजिट किया, 100 रुपीज। इस SBI बैंक ने मुझसे कहा कि मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा। किस रेट से? 10% के रेट से इंटरेस्ट दूंगा मैं आपको। तो जब आप 10% के रेट से इंटरेस्ट निकालोगे और आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है ईयरली, तो मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूं, सपोज 2024 में मैंने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करे और वो 100 रुपीज में 10% का इंटरेस्ट लगा। 10% का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 10 रुपीज। और एट द एंड ऑफ 2024 मेरे जो पैसे हैं बैंक में वो हो जाएंगे 110 रुपीज, क्योंकि
ईयरली बेसिस में एक साल में 10% का इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10 ओनली, तो 10 ऐड करके होके 110। अब आप बोलोगे सर ऐसा कर रहा हूं, हम तो डायरेक्टली पॉजिटिव अप्रोच से करते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो तो हमें मालूम है ही, सीधा 110 आता है। 100 का 10% बढ़ने का मतलब है 110%, तो 110% निकालोगे 100 का तो सीधा 110 ही आएगा। यहां तो मैंने ऐड करके बताया आपको, ठीक है। तो अभी मैं येला कॉन्सेप्ट भी करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ बेसिक चीजें यहां से मैं क्लियर कर लूं। दूसरी चीज ये है कि अब सपोज अब अगर आपने बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं करे, सो फॉर द नेक्स्ट ईयर 2025 में अब जो पैसा आपका बैंक में हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 110 रुपीज। ओके, अब पैसा बढ़ गया आपका बैंक में, तो जो पैसा आप बैंक में डालते हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अभी हम बात करेंगे उसको सम भी बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और हमेशा जो 10% निकलता है वो प्रिंसिपल का ही निकलता है। जैसे 10% निकला, किसका निकला? प्रिंसिपल का 10% निकला, इसलिए 10 निकला। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं प्रैक्टिकल है, क्योंकि हो क्या गया, अब आपके पैसे बढ़ गए, अब 110 रुपीज हो गए, तो फिर से इस साल के लिए 2025 के लिए 2025 के लिए फिर से बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देगा। तो कायदे से 10% 110 का लगना चाहिए था जो आपका करंट प्रिंसिपल है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे पहली प्रिंसिपल, जो सबसे पहला आपने पैसा जो बैंक में जमा किया, हमेशा आपको उसी का 10% मिलेगा। तो फायदा क्या है, मतलब आपके पैसे बढ़ बढ़ के अगर लाख्स भी हो गए, अगर करोड़ में भी पहुंच गए, फिर भी आपको 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा 10%, मतलब 10 रुपीज। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, तो 110 रुपीज में फिर से 10%, तो 10% इसका लगता तो मुझे 11 रुपीज मिलते, लेकिन 10% इसी का लगेगा, तो अगेन आई विल गेट 10 रुपीज का इंटरेस्ट। सो माई, तो बैंक में पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन फिर वो 10% के रेट से ही बढ़ेगा, और हमेशा 10 रुपीज ही रहने वाला है। इसका मतलब फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर अब आपके पास, नेक्स्ट ईयर का मतलब है अब सपोज 2026 में, अब आपके पास बैंक में जो पैसा हो गया है वो हो गया है 120 रुपीज, फिर से इसमें 10% का रेट, फिर से 10% का रेट का मतलब क्या है, अगेन हमें लगता तो ये है कि अब हमें 10% 120 का मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो पहला पैसा आपने बैंक में डाला है उसी का मिलेगा, तो 10 रुपीज। ऐसा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो अगेन 10 रुपीज, तो इट्स गोइंग टू बी 130 रुपीज। ओके, तो यही कहानी चलती रहेगी। अब आप देखोगे कि आपका पैसा बैंक में 10-10 रुपए बढ़ रहा है, 100 से 110 हुआ, फिर 110 से 120 हुआ, 120 से 130 हुआ, अगले में 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, यही कहानी चलती रहेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज, इट हैज अ वेरी लीनियर फॉर्मूलाज या लीनियर रिलेशनशिप, अभी हम देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, आपने पढ़ा होगा एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वाई देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि हमेशा क्या है, जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमेशा सेम रहता है, यू कैन से, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको कुछ टर्म्स यहां पर बता दूं। द मनी विच यू डिपॉजिट, जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट होता है, डू रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पैसा आप बैंक में डालते हो ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट मिल सके, 100 रुपीज में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान से देखना। ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैं इस तरीके से भी ले सकता था कि बैंक हैज गिवन टू यू 100 रुपीज लोन, बैंक ने आपको 100 रुपीज दिए, ऐसे भी मैं आपको बता सकता था। तो सिर्फ डिपॉजिट करने को ही क्या हम प्रिंसिपल कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, सिर्फ डिपॉजिट करने को या जो पैसा हम डिपॉजिट करेंगे क्या वही प्रिंसिपल है, नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। बैंक जो पैसा आपको दे रहा है दैट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, वो भी प्रिंसिपल है और उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो आइडेंटिफाई करना क्या रहता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, आप ये देख लेना कि जिसमें प्रिंसिपल, जिसमें हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 10% हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 से। प्लस अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी दिया है और अमाउंट भी दिया, अभी अमाउंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो हमेशा याद रखना कि जो छोटी वैल्यू है दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल, और जो बड़ी वैल्यू है वो अमाउंट है, क्योंकि पैसा बैंक में बढ़ता है। तो यहां पर छोटा सा एग्जांपल है, दिस 120 रुपीज इज नथिंग बट प्रिंसिपल, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, इसको आप सम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सम, और करके आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द सम, फाइंड द सम का मतलब है समझ जाना दैट यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। ओके, तो इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी स्कूल वाले प्रिंसिपल जैसी ही है, पी ए एल, पी एल ई मत कर देना, सो दिस इज प्रिंसिपल।
ओके अच्छा, जो पैसा आपको इंटरेस्ट ऐड होने के बाद मिला, एंड दैट इज नथिंग बट अमाउंट। अमाउंट वो पैसा है जिसमें इंटरेस्ट ऐड गए, ठीक है। और ये जो बीच में है 10 रुपीज, ये क्या है? ये तो इंटरेस्ट ही है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऊपर है बेटा। ओके लॉजिक लगाइए, रेट ऊपर है, ये तो आपने रेट जब कैलकुलेट किया दिस इज इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो यहां से खुद ही ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो, तो आपका अमाउंट आ रहा है। अरे आपने क्या किया है, दिस 120 रुपीज में आपने 10 रुपीज ऐड किए, तभी तो 130 आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ फॉर्मूला दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, दिस इज योर इक्वेशन ए, खास इक्वेशन है ये, इसको आई विल कॉल अ खास इक्वेशन। एंड दिस फॉर्मूला हैज कम बाय लॉजिक ओनली, लॉजिक से ही आया है, मैंने ऐसा नहीं कि अलग से आपको निकाल के दिया है। हमने तो बस एग्जाम्पल देखा था कि हम कैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, और वहां से समझ में आया कि बैंक में कैसे इंटरेस्ट ऐड होता है प्रिंसिपल से, और ऐड होने के बाद अमाउंट बनता है, ठीक है। ओके ये भी अमाउंट कब बना, जब आपने बैंक से पैसा निकाला, अगर आप नहीं निकालते तो अगले साल के लिए ये अमाउंट फिर से क्या बन जाता, प्रिंसिपल बन जाता। ओके ये भी समझना जरूरी है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देयर इज वन वेरी लीनियर फॉर्मूला फॉर एसआई, तो एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल फॉर्मूला तो हुआ ही होगा। और इस केस में अगर आप देखोगे, देखिए 3 साल के लिए आपने पैसे डाले बैंक में, और आपके 100 रुपीज से कितने हो गए लास्ट में 130, आपको कितने रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया 30 का। अगर यही कैलकुलेट करें, सपोज प्रिंसिपल इज 100, रेट 10% है, टाइम कितना 3 साल के लिए आपने बैंक में पैसे डाले, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। 10 × 3 यू विल गेट 30 ओनली। ओके तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी लीनियर रिलेशन। सो डू रिमेंबर द फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, एंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट। अच्छा यहां पर मैं बता देता हूं कि एस आई क्या है, यहां पर एस आई है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। मुझे पता है ये चीजें आपको मालूम है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों के लिए लिख लूं, ताकि जिन बच्चों को नहीं मालूम या जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी आ जाए। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, कोई लफड़ा नहीं, हाँ यहां लफड़ा है। आर इज रेट, बट रेट बेटा रेट पर एनम, ये रेट पर एनम है, ध्यान देना, पर एनम का मतलब होता है ईयरली, ईयरली के हिसाब से रेट है। अगर नहीं दिया होगा तो मैं ईयरली के हिसाब से निकालूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टी इज अगेन, ये भी थोड़ा सा लफड़ा करता है, टी इज टाइम, लेकिन सिर्फ टाइम लिखोगे मजा नहीं आएगा, टाइम इन ईयर्स। तो याद रखना कभी टाइम डेज में भी देता है आपको, तो ईयर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके ठीक है, तो बेसिकली हमने बेसिक फंडा समझ गया, इन फॉर्मुलेस की जरूरत है नहीं हमें, ऑलरेडी हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 30 रुपीज का। सर 3 साल का इंटरेस्ट मिला मुझे 10 10 10, 30 रुपीज, 100 रुपीज बैंक में डाले, 130 मुझे मिल रहा है, सो आई गॉट 30 रुपीज का इंटरेस्ट, साफ नजर आ रहा है। तो फॉर्मूले में रख के भी देख लिया हमने, और वैसे भी समझ में आ रहा था। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे फिलहाल के लिए, हम लोग सीखे एक तो प्रिंसिपल प्लस अगर मैं इंटरेस्ट करूं, एक तो मेरा आता है अमाउंट, मैंने कहा था मेरी खास इक्वेशन इक्वेशन नंबर ए, और एक मैंने फॉर्मूला देखा है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये बात आपको बताने में मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इन्हीं दो फॉर्मूले से हम पूरे सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट की धज्जियां उड़ा सकते हैं इन दो फॉर्मूलाज की हेल्प से। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यहां से दो फॉर्मूलाज और निकालूं आप लोगों के लिए, ताकि उन दो फॉर्मूलाज से आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए। इन्हीं दो से निकल के आएंगे वो फॉर्मूलाज, तो इन दो की मदद से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम के, लेकिन थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, आपके टाइम को सेव करने के लिए, इन दोनों फॉर्मूलेस को आपस में डिड्यूस करके वी विल डिड्यूस टू मोर फॉर्मूलाज, हम दो और फॉर्मूलाज निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे और वो क्यों निकाल रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल नहीं देता, ठीक है, और एसआई नहीं देता, आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा, या प्रिंसिपल नहीं देगा अमाउंट, ऐसा कुछ पूछ लेगा, तो कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ एस आई इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में ना एस आई की जो वैल्यू आपने पी आर टी अपॉन 100 ली है ना, वो रख दो। तो देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल
इक्वेशन ए पे रख रहा हूं ना, वो खास इक्वेशन है मेरी, प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई की वैल्यू कितनी है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू ए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही लिख दिया। यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी विल गेट अ फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल विच इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ना दे, डायरेक्टली अमाउंट दे, रेट दे, टाइम दे, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल और द सम। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ये फॉर्मूला, फिर वहां से एसआई की वैल्यू, प्रिंसिपल को एक्स लेना पड़ेगा, इस तरीके से एसआई की वैल्यू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहां पुट करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी आपकी, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वही चीज हम जो क्वेश्चन में करते हैं वो यहां कर रहे हैं, ताकि कुछ बेसिक से फॉर्मूले और निकल के आ जाए और वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो एग्जाम्स में। तो यहां से इफ यू विल टेक पी कॉमन, सपोज आपने पी कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू ए पी। अगर आप सपोज 100 अगर आप एलसीएम लेते हो तो यह आ जाएगा 100 प्लस आर टी इज इक्वल टू ए, और यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको प्रिंसिपल निकाल के देता है, ये आपको प्रिंसिपल निकालने में हेल्प करेगा व्हेन एसआई इज नॉट गिवन टू यू। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसआई, लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसआई, इसमें हमें एसआई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले में, क्योंकि एसआई नहीं देगा अगर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार, एसआई का फॉर्मूला हमें एक तो यही याद रहता है और एसआई नहीं होता तो हम प्रिंसिपल कैसे निकाले। सो हाउ यू विल फाइंड आउट, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, इन दोनों फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं दो फॉर्मूले से ही नया फॉर्मूला निकल के आया। सिमिलरली एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं इसी में, अगर हमें यहां पर स्पेस परमिट करेगा। सो व्हाट आई विल डू, सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ओके, इफ आई विल पुट दिस इक्वेशन नंबर 1 अगेन इन इक्वेशन नंबर ए, इन माय खास इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन ए खास इक्वेशन में, तो वो पी की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट। यहां से एस आई का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल निकालना है, एस आई नहीं दिया तो हम निकाल सकते हैं, जब एस आई निकालना है और प्रिंसिपल ना दिया हो तो तब भी निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से एसआई की वैल्यू आ जाएगी, एसआई इज इक्वल टू ए माइनस 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी, ठीक है। सो एसआई इज गोइंग टू बी, इफ यू विल टेक 100 प्लस आर टी एलसीएम, तो यहां पर 100 प्लस आर टी ए इंटू 100 प्लस आर टी हो जाएगा माइनस 100 ए, ओके। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट एसआई इज इक्वल टू ए इंटू 100 प्लस ए आर टी, ओके, इसको a इंटू 100 ना करते हुए 100 a लिख लेता हूं, 100 a प्लस ए आर टी माइनस 100 a अपॉन 100 प्लस आर टी। सो यू हैव गॉट द फॉर्मूला, सी 100 a कैंसिल एंड यू हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर एस आई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। सो एस आई इज इक्वल टू a इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस आर टी, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सपोज इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। सो दिस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एस आई इफ प्रिंसिपल इज नॉट मेंशन टू यू, अगर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है तो मैं लिख लेता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ, लेट मी राइट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल, पी लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, आई होप आपको विजिबल है वहां पर। सो एट द एंड एक बार अगर मैं रिवाइज करूं, अब आप बोलोगे सर ये कैसे फॉर्मूलाज याद रखेंगे हम, याद नहीं रखने बेटा, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व, देखिए लॉजिकली प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट हमें पता है, एक फॉर्मूला में ये पता है, अच्छा एक फॉर्मूला में ये भी पता है जो कि सिंपल लीनियर रिलेशन है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब दो फॉर्मूलेज और हैं, ठीक है, दो फॉर्मूलेज और हैं, एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल का जिसमें एस आई का कोई नामो निशान नहीं होगा, और एक है एस आई का जिसमें प्रिंसिपल का कोई नामो निशान नहीं होगा। अच्छा दोनों के डिनोमिनेटर में 100 प्लस आर टी है, 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, ठीक है, तो ये कॉमन है तो ध्यान आपको आ सकता है। अब देखिए एसआई का फॉर्मूला, क्योंकि पी आर टी था इन द न्यूमरेटर, पी इंटू आर इंटू टी, अब क्योंकि ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल है तो इसी की जगह पी की जगह ए लगा दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर इंटू टी। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं,
कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बट इन दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस ऑल फॉर फोर फॉर्मूलाज। ओके, तो एसआई की जगह एआरटी आ गई। अच्छा, पी में आपको यहां पर 100 ए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ जाएंगी। सो दिस आर द फोर फॉर्मूलाज। बस एसआई के केस में एआरटी याद रखना, डिनोमिनेटर में तो 100 प्लस आरटी दोनों ही केसेस में है। ओके, हाँ, बस प्रिंसिपल के केस में 100 ए इज इन द न्यूमरेटर। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ताकि हम अब हम क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन इट। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता एसआई का जो अब हमसे ना हो, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन ऑल द वैरायटी, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक नेचर ऑफ एसआई। ओके, एसआई है क्या, और यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, मैंने कहा था यहां पर याद रखना कि रेट इज ईयरली, टाइम इज ऑल्सो इन ईयर्स। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखते हुए पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल द क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ऐसा ही निकालना है ऑन रुपीज। मैंने कहा था इंटरेस्ट जिसमें निकालते हो वो आपको प्रिंसिपल होता है, तो गिवन सबसे पहले गिवन लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि गिवन ही क्वेश्चन का जीवन है, ध्यान रखना। तो गिवन कितना है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है, 5400। अच्छा, रेट ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू पर एनम, तो मजे आ गए आपको। तो रेट इज गिवन टू यू 8% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम आपको मंथ्स में दिया है, 10 मंथ्स, ठीक है, तो उसको 10 मत ले लेना, फिर आपका आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के दिया है आपको ताकि आप टाइम को इयर्स में कन्वर्ट करो। इयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10/12 हो जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो 1 मंथ में 1/12 ईयर्स बोल सकते हो आप, तो ये आ गया ईयर्स में। अब आप एस आई का फॉर्मूला लगा दो, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें मजेदार सिर्फ यही पार्ट था, बाकी तो बहुत ईजी है, ठीक है। सो पी इज 5400, आर इज 8, टाइम कितना है 10/12 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 4 2 जा 4 3 जा 3, हाउ मेनी टाइम्स, 318 टाइम्स, कितना आ रहा है आंसर, 360 रुपीज आ रहा है एसआई की वैल्यू, ठीक है। हम चाहे तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल में एसआई ऐड करके, ओके, बट नॉट रिक्वायर्ड, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड व्हाट एसआई ऑन ₹1600 एट 6% पर एनम फॉर 146 डेज, ठीक है। 2 मिनट का समय देता हूं आपको, करें जरा ट्राई कैसे करेंगे, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बताएं मुझे कैसे करेंगे, बहुत आसान है। चलिए आप पॉज कर सकते हैं, यू कैन इवन पॉज इट। तो बेसिकली करना क्या है इसमें ना, फिर से देखिए, गिवन लिखूंगा मैं, गिवन, अच्छा एस आई ऑन रुपीज, मतलब प्रिंसिपल इज गिवन टू यू 1600 रुपीज, रेट फिर से आपको दिया है पर एनम 6% पर एनम, बल्ले बल्ले, टाइम ने लफड़ा कर दिया 146 डेज। फिर से मुझे ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा, मुझे पता है 1 ईयर में, नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज, तो जैसे ही आप इसको 365 से डिवाइड करोगे 146/365, ये ईयर्स में चेंज हो जाएगा। अब ये किससे सिंप्लीफाई हो उसको देखने के लिए आप, इट्स बेटर कि यू टेक द एचसीएफ, मैंने आपको बताया था ना, तो वो एचसीएफ इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे आप दोनों को काट सकते हो। तो फटाफट से एचसीएफ देख लेते हैं इसका, 146 और 365, एचसीएफ देख लेते हैं जरा कितना आ रहा है, ठीक है। सो 146 टू टाइम्स आई थिंक ना, टू टाइम्स हाउ मच, हाँ 292, सो व्हाट इज द रिमाइंडर, 3, यहां से जाएगा 73, और यहां पर आ जाएगा जो डिवाइजर था 146, सो 73 2 जा 146, सो 73 इज द एचसीएफ। तो ये दोनों एचसीएफ से कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा 73 टू टाइम्स एंड 73 5 टाइम्स, तो मेरा ना ये जो टाइम है वो 2/5 ईयर्स आ गया है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, हमने हमें एचसीएफ निकालना ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है ताकि आप इसे सिंप्लीफाई कर सके। अब एसआई इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है 1600 इंटू आर, रेट कितना है 6% पर एनम, टाइम है 2/5 अपॉन 100, ठीक है। तो आप 20, तो आप 20 से 20 कैंसिल करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जस्ट कैंसिल इट आउट, और उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जगह एसआई इज इक्वल टू 64 अपॉन 5, नहीं, अच्छा ये कितना है 32, अच्छा 32 सिक्स, हाँ ये आ जाएगा 192 अपॉन 5। जब भी हम अपॉन 5 करते हैं, मैं कहता हूं आप न्यूमरेटर का डबल कर लो। अगर मेरे पास सपोज 10 अपॉन 5 होता तो मैं न्यूमरेटर का डबल करता, 10 का 20 और एक जीरो हटा देता तो आंसर 2 आता। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर इसका डबल करता हूँ, 192 और 192 करेंगे कितना आएगा, 99 18 करीब 384 आएगा ना, तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, 384 एक पीछे शिफ्ट होता था, सो 38.4 इज द राइट आंसर। जो हमें एसआई मिल रहा है वो मिल रहा है 38.4 रुपीज का, ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 38.4। देखिए अपनी कैलकुलेशंस को आप कैसे इजी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है बहुत इजी हैं, बट यहां पर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको ईयर्स में नहीं दिया है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल कहता है आपसे, असमेट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज। अब आप देखना यहां पर कितना काम आएगा आपका वो जो मैंने डायग्राम, असम विच इज नॉट गिवन टू यू, सपोज आप उसको एक्स मान लो, अगर एक्स को आपने बैंक में डाला तो वो कितना अमाउंट में चेंज हो गया, 2921, वो अमाउंट ही है बेटा, अमाउंट टू रुपीज, और साफ साफ दे रहा है कि एक पैसा आपने बैंक में डाला कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%, ओके। टाइम कितना है, 3 ईयर्स, आपको क्या निकालना है, सम प्रिंसिपल। अच्छा चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, ये एक्स लेने की जरूरत नहीं, क्या आपको कोई प्रिंसिपल का फॉर्मूला आता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसआई, आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला आता है, इट इज नथिंग बट सर 100A/100 प्लस RT, कैन यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज सी व्हाट इज गिवन, गिवन क्या क्या है, पहले गिवन देख लो, गिवन में आपको अमाउंट दिया है, कितना दिया है 2921, इस फॉर्मूले में अमाउंट लगता है, रेट दिया है कितना 9%, इस फॉर्मूले में रेट लगता है, टाइम दिया कितना 3 ईयर्स, टाइम भी लगता है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती, आंसर तब भी आ जाता, बट व्हेन यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला विद यू, जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो वो आपकी आपकी जो समय है, आपकी जो बेसिकली कैलकुलेशन है उसको भी रिड्यूस करेगा, गलती करने के चांसेस को कम करेगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी 100 into A, इज 2921 अपॉन 100 प्लस RT, RT कितना है मेरा 9 into 3 लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 100 into 2921 अपॉन 127, फिर से आप 2921 और 127 को देख सकते हो, सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, कट रहा है नहीं कट रहा है, आप देख सकते हैं HCF की तरह, बताएं किससे कट रहा है, 23 से 20, अच्छा 127 23 टाइम्स कट रहा है ना पूरा, ठीक है। तो अगर ये 23 टाइम्स कट रहा है, देख लीजिएगा एक बार, सो द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी 2300 रुपीज, आसान हो जाएगा, ओके, बस कैंसिल आउट करना है आपको, थोड़ा सा देखना 127 डिवाइड तो करना है, ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कितना कितना मदद करेगा आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया, एडवर्ट रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट विद विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। अब बच्चा देखता है कि इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन तो सिर्फ टाइम ही है सर, टाइम बोला है मुझसे 8 ईयर्स बस, और एट वट रेट परसेंट, रेट मुझसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या करूं, बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जो अब यहां पर हमारा फंडा काम आएगा, देखिए रेट निकालना है ना, रेट का मतलब है परसेंटेज,
और चिल्ला चिल्ला के जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था बेटा परसेंटेज डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज, इट डिपेंड्स ऑन द चेंज, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू इन द केस ऑफ परसेंटेज। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं देखिए अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा ही का है, तो मैं 100 रुपए डिपॉजिट करूंगा बैंक में और 100 रुपए डिपॉजिट करूंगा और वो पैसा देखो क्या हो रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। तो टाइम लगे लगा मुझे 8 साल, लेकिन वो मेरा पैसा डबल हो गया, तो 100 से कितना जाएगा 200। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए, ओके 100 से 200 हो रहा होगा, किस रेट में हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहां से अगर आप बोलोगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, सो द अमाउंट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अमाउंट इज डबल, सो इट्स गोइंग टू बी 200 रुपीज। और यहां से ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो इट्स गोइंग टू बी 200 माइनस 100, वो भी 100 आ गया। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 लगा दो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू कितनी आई 100, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट हमें मालूम नहीं, टाइम हमें दिया है 8 ईयर्स अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, रेट आ गया मेरा 100/8%। इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 से तो 4 25 टाइम्स 4 टू जा, सो इट्स गोइंग टू बी 12/1/2% या 12.5%। ओके तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन बन जाती है और लॉजिक देखो हमने कैसा, और आप कुछ भी वैल्यू ले लो यार, प्रिंसिपल की कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले लो आप, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके क्योंकि आपको मालूम है कि परसेंटेज वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू टेक सम अदर वैल्यूज, एक्स लेके भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, सारे ही आसान है। चलिए लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एडवर्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ। मतलब अब ध्यान से देखना, देखिए इसमें मैं कितनी इजी वैल्यूज लूंगा, अब मुझसे अगर मैं एक्स लेता हूं ना, यहां पर एक्स सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल अगर मैं एक्स लेता हूं ना इन दिस क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सो द अमाउंट इज गोइंग टू बी 7/4 ऑफ इटसेल्फ, मतलब इनटू एक्स। तो एक्स क्यों लू मैं यहां पर, क्या वैल्यू लू मैं ऐसी, मैं अगर यहां पर 4 ले लू, सोचो अगर मैं 4 ले लू, सपोज मैंने 4 रुपीज डिपॉजिट करे, सो माई अमाउंट इज गोइंग टू बी 7/4 × 4, इट्स गोइंग टू बी 7 रुपीज। तो मैंने अपनी कॉम्प्लिकेशंस को इजी कर दिया है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस को हटाई दिया है बाय टेकिंग प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके अलावा आपको फिर से रेट निकालना है और आपको टाइम आपको दिया है 4 ईयर्स। तो अगर बाय द वे डबल ट्रिपल बोलेगा तो 100 ले लीजिएगा, उसके अलावा कुछ ऐसा फ्रैक्शनल बोलेगा तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसी को प्रिंसिपल ले लो, ताकि वो फ्रैक्शनल फॉर्म हट जाए, ठीक है, और कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो प्रिंसिपल आपने ले लिया 4 रुपीज, अमाउंट आ गया आपका 7 रुपीज, ऐसा ही आ जाएगा कितना 3 रुपीज। फॉर्मूला लगा दो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, 3 इज इक्वल टू पी कितना है 4, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 4/100, ठीक है, टाइम भी 4 है, सो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 25 टाइम्स, सो ये आ गया रेट इज इक्वल टू 75/4%। इसको करो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, 4 हाउ मेनी टाइम्स 17 18 अच्छा 18 व्हाट इज 18 4 इज 72 18 4 इज 72 और फिर 3 बच गया, तो ये आ गया 18 3/4%। ओके सो इन दिस वे वी हैव डन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो प्लीज सिंपल इंटरेस्ट को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, डू एज मच एज क्वेश्चंस, आप आरडी शर्मा फॉलो कर सकते हैं, आप आरएस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए, इन दोनों बुक्स को फॉलो करो, 8th 9th 10th जिस भी लेवल की फॉलो करो, या कोई और अगर आप अर्थमेटिक एप्टीट्यूड की बुक फॉलो करते हो तो वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उसी से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट है वो भी देखेंगे। सो आई होप कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके जाते जाते आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, अगर आप हमें ऑफलाइन, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन संपर्क करना चाहते हैं, तो ये नंबर्स हैं, इनमें आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं, आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं जो आपको हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं।
इवन रिकॉर्डेड कोर्सेज में हमारा अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, हैवी डिस्काउंट है, अराउंड 50% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सो डू जॉइन अस, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, यू गेट ऑल द पीडीएफ्स हियर। फेसबुक इंस्टाग्राम में हमें जरूर फॉलो करें, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एग्जाम्स। एंड डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी .in इज अवर वेबसाइट, यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर वेबसाइट ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।